हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो F23 5G में सोटर सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे फ्रेंड्स आपको अपने फोन में सोटर सेटिंग अनेबल करना है, उससे पहले आपको अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा, तभी फ्रेंड्स आप अपने फोन में सोटर सेटिंग अनेबल कर पाएंगे। और अगर आपको अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन अनेबल करना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में आके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सो टैप्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सोटर सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे और फ्रेंड्स आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपको सोटर्स दिखाई देगा। अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करने के बाद आप अपने फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपको सोटर्स दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ओप्पो F23 5G में सोटर सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।